और एक और रिश्ता बाबा साहब अंबेडकर का के साथ सिंधिया परिवार का बन चुका है। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में बीजेपी ने पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग को साधने के लिए अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें सीएम शिवराज ने अनुसूचित जाति वर्ग की कई उपजातियों के बोर्ड और आयोग के गठन का ऐलान किया। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार सिंधिया परिवार को बाबा साहेब अंबेडकर से जोड़कर दिखाने की कोशिश की। यहां सिंधिया ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि उनकी पत्नी के पूर्वज गायकवाड़ परिवार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। और एक और रिश्ता बाबा साहब अंबेडकर का के साथ सिंधिया परिवार का बन चुका है। मेरी पत्नी का परिवार उनके पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उनको विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए, और जब विदेश से पढ़ाई से वापस आए बाबा साहब अंबेडकर, तो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के साथ उनके भाई के रूप में उनके राज्य के शासन में एक से एक हाथ मिलाकर भाई के रूप में कार्य करने का एक योगदान बाबा साहब अंबेडकर का रहा। ये बयान देकर सिंधिया ने ये दिखाने की कोशिश की है कि सिंधिया परिवार बाबा साहेब के ज्यादा नजदीक है। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। ग्वालियर चंबल संभाग ही है जहां पर बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में 26 सीटें हारी थी। इसी के कारण बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था, लेकिन दोबारा सिंधिया की मदद से बीजेपी सत्ता पाने में कामयाब रही। ये भी बता दें कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी की स्थिति कमजोर पाई गई है, और इसलिए बाबा साहेब के आसरे बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी साख मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एमपी तक।